टाइटैनिक हॉलीवुड का वो नाम है जिसके अधिकांश भारत जनता अवगत होगी। एक सत्य घटना पर आधारित यह फिल्म हॉलीवुड की बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। तकरीबन एक सदी पहले विलासिता और शान और शौकत के लिए जाने वाले टाइटैनिक जहाज समुद्र में सफर करते समय अटलांटिक महासागर में डूब गया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। हालांकि उस वक्त दावा किया गया था कि टाइटैनिक को उस तरह से तैयार किया गया था कि वो कभी नहीं डूब सकता। इस वजह से टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी कि ना डूबने वाला जहाज भी कहा जाता था। टाइटैनिक के डूबने के समय समय पर अलग अलग तथ्य पेश किए गए थे। उन तथ्यों को जानने से पहले टाइटैनिक जहाज के बारे में जानना बेहतर होगा। टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम RMS टाइटैनिक, RMS मतलब रॉयल स्टैंड्स फॉर रॉयल मेल शिप। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था वाइट स्टार लाइन। टाइटैनिक जहाज नॉर्थ आइलैंड में बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम में बनाना शुरू किया था। 26 महीनों बाद 31 मई 1911 को यह बनकर तैयार हुआ। जहाज को बनाने में $75 लाख करीब 48 करोड़ रुपए का खर्च आया। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तो यह दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज थी। यह 885 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो उस समय की इमारत से ऊंचा होता। फुल लोड होने के बाद टाइटैनिक का वजन 46,326 टन की था, करीब 4,83,26,000 किलो। इतने वजन के बावजूद भी यह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। हिमकंद से टकराने से डूबा था टाइटैनिक। 1 मई 1911 को ठीक 12:13 पर टाइटैनिक के बेलफास्ट में पानी में उतारा गया। बेलफास्ट से टाइटैनिक को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां के करीब एक साल बाद यह विशाल जहाज यात्रियों के साथ अपनी पहली और आखिरी समुद्र यात्रा पर निकला। एक विशाल आइसबर्ग से टकराने के कारण टाइटैनिक यात्रा के 5वें दिन ही डूब गया। जहाज पर मौजूद 1,517 लोगों की मौत हो गई। जहाज की आइसबर्ग से टकराकर 14 अप्रैल 1912 को हुई और एक दिन बाद यानी 15 अप्रैल को वह पानी में डूब गया। कई दशकों तक इसकी मलबे की तलाश चली। आखिरकार 1985 में समुद्र तल के करीब 4 किलोमीटर नीचे पड़ा इसका मलबा ढूंढ लिया गया। ऐसे माना जाता है कि जहाज के सभी 16 कंपार्टमेंट जलरोधी थे, लेकिन 14 अप्रैल की रात हिमखंड से टक्कर के बाद टाइटैनिक के 5 कंपार्टमेंटों का नुकसान पहुंचा और उसमें पानी भरने लगा। जहाज में सवार यात्री समुद्र में कूद गए। जहाज में यात्री और चालक दल के सदस्यों को मिलकर 2,200 लोग सवार थे। 15 अप्रैल को रात 2:20 पर जहाज डूब गया। टाइटैनिक को लाइफ बोट की कमी के कारण करीब 1,500 से ज्यादा लोगों की उत्तर अटलांटिक के ठंडे पानी में डूबने से मौत हो गई। 700 लोगों को बचा लिया गया, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी। टाइटैनिक द न्यू एविडेंस नामक डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि इतनी बड़ी दुर्घटना का मुख्य कारण आग थी, जिसके कारण जहाज डूबा था। विशेषज्ञों के मुताबिक यह आग 3 हफ्तों तक लगी रही और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी आग के कारण जहाज डूब गया। फिर जब सफर के दौरान आइसबर्ग के साथ इसकी टक्कर हुई तो कमजोर होने के कारण वह डूब गया। विशेषज्ञों के मुताबिक आज शायद जहाज के बॉयलर रूम में पीछे बने 3 मंजिला ईंधन स्टोर में लगी होगी। इसके बाद जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तब उस आग के कारण स्टील से बनी एक पतवार काफी कमजोर हो गई। इसकी वजह से आइसबर्ग के साथ टकराने पर जहाज की लाइनिंग टूट गई। हालांकि इस आग की जानकारी अधिकारियों को हो गई थी। वही ये एक पत्रकार के मुताबिक इस आग वाली बाग को यात्रियों से छुपा कर रखा गया। इस घटना के पीछे लापरवाही भी थी। अगर आग नहीं लगी होती तो शायद 75% तक क्षति को कम कर लिया जा सकता था। गुड एज गोल्ड नाम की किताब में दावा किया गया है कि टाइटैनिक डूबने की असली वजह चालक दल की गलती का नतीजा था। इस किताब में दावा किया गया है कि चालक दल चाहता था तो इस भयानक त्रासदी को टाला जा सकता था। इसके बारे में द टेलीग्राफ में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसके मुताबिक इस घटना में 100 साल बाद इस पुस्तक में कहा गया कि हिमकंड को देखने के बाद चालक दल के पास काफ़ी समय था और वे टाइटैनिक और उसके टकराने से बचा सकते थे, लेकिन वह इस कदर
भयभीत हो गए थे कि जहाज को उन्होंने उसी दिशा में मोड़ दिया जब उन्हें पता चला कि काफी देर हो चुकी है।